मैं हाँ थोड़े नाल इंद्रजीत कौर ते तुसी देख रहे हो सब तो परोसेमन ते पंजाब हरियाणा हिमाचल जम्मू कश्मीर दा नंबर वन न्यूज चैनल जी पंजाब हरियाणा हिमाचल ते शुरुआत कर दे आ मुद्दे की बात दी। पंजाब दे विच चोन तरीक दा ऐलान होने तो बाद सियासी हलचल वध गई है। हर एक उम्मीदवार ते पार्टी आपो अपनी जित दे दावे कर रहे ने। एक पासे जिथे अकाली दल बीजेपी गठजोड़ हैट्रिक मारन दी हामी भर रहा है तो 10 साल का सोका भोग चुकी कांग्रेस जितने दे लई पूरी जोर अजमाइश ला रही है। पर इस बार पंजाब कांग्रेस प्रधान कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे ने कि कांग्रेस इस बार 2/3 बहुमत दे नाल जित दर्ज करेगी। पर सवाल उठता है कि कांग्रेस किस आधार ते इन्नी वड्डी जित दा दावा कर रही है, इस दावे दे विच किन्ना दम है ते वड्डी जित हासिल करन दे लई केड़ियां चुनौतियां दा सामना करना पै सकदा है ते वक-वक पार्टियां दा कांग्रेस दे दावे ते की कहना है। इन्हां सारे सवालां दे जवाब मुद्दे की बात दे विच लभण दी कोशिश करांगे। पंजाब विधानसभा चोणां दे पक्क चुके अखाड़े दे विच हर पार्टी खुद नूं अव्वल अते विरोधियां नूं ठुस दस के जित दी हुंकार पा रही है। पंजाब कांग्रेस प्रधान कैप्टन अमरिंदर सिंह मुताबक कांग्रेस 2/3 बहुमत हासिल करेगी, जबकि उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल मुताबक अकाली बीजेपी गठजोड़ हैट्रिक लगाएगा। पंजाब विधानसभा चोणां दी पुट्ठी गिणती शुरू हो चुकी है। इस दे नाल ही रोज़ रोज़ नवे दावे अते ऐलान सुनन नूं मिल रहे ने। विरोधियों नूं चित करन लई बयानबाजियां कीतियां जा रही हैं। हर बयान जरिए दावा यही किया जा रहा है कि असी हाँ नंबर वन। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के खास प्रोग्राम डायरेक्टर दिनेश पंजाब कांग्रेस प्रधान कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खुद को नंबर वन दसिया अते दावा किया कि कांग्रेस 2/3 बहुमत हासिल कर सत्ता च आवेगी। अभी पंजाब में कौन नंबर वन पर है, आपको क्या लगता है? कांग्रेस नंबर वन पर, कांग्रेस नंबर वन 100% नंबर वन 100% जीतेंगे। एंड अगर आप पूछोगे मुझे कि किससे लड़ाई है, हमारी किसी से भी लड़ाई नहीं। अकाली बीजेपी तो टोटली जीरो है और दिन पर दिन आम आदमी डाउन जा रही है। आई एम लुकिंग एमिंग फॉर 2/3 मेजोरिटी। मुझे चाहिए असेंबली में 2/3 मेजोरिटी ताकि हम कानून बना सकें। कैप्टन अमरिंदर सिंह दे दावे दे उल्ट हाकम धिर दे आगू खुद नूं सब तो अव्वल दसदे होए जित दी हैट्रिक लगाउण दा दम भर रहे ने। अकाली दल दी सरकार, अकाली दल बीजेपी दी क्लियर 2/3 मेजोरिटी जाऊगी। जित दे दावे करने अते विरोधियों नूं सिफर दसना सियासी आगू शब्दां जरिए ही एक दूजे नूं ढह ढेरी करन च जुटे ने। खैर दावे जिन्ने मर्जी होण पर असल फैसला सूबे दी आवाम ने करना है ते ओह किस नूं सत्ता दी पौड़ी ते चाढ़दे ने इसदा नतीजा 11 मार्च नूं सब दे सामने होवेगा। जलालाबाद तो रविंदर मीत दे नाल न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट जी मीडिया। इस विचाले सवाल कई खड़े हो रहे ने। पहला सवाल कि पंजाब दे विच कैप्टन अमरिंदर सिंह दा 2/3 बहुमत दे नाल सरकार बनाउण दा दावा किन्ना मजबूत है। इस दे नाल ही दूजा सवाल कि कांग्रेस दे वल्लों 2/3 बहुमत दे नाल जित हासिल करन दे दावे की मायने रखदे ने। तीजा सवाल कि पंजाब विधानसभा चोणां दे विच कांग्रेस की वड्डी जित दे दावे ते विरोधी पार्टियां दी की दलील है, वो की सोचते ने। सारी प्रतिक्रिया असी अज जानने की कोशिश करांगे। इस नाल ही एक सवाल जो असी अपने दर्शकों नूं पूछ रहे हां कि पंजाब दे विच कांग्रेस दे 2/3 बहुमत दे नाल जित हासिल करन दे दावे च दम है। हाँ दे लई टाइप करो ZPHS पेज दियो वाई ते नाल दी टाइप करो ZPHS पेज दियो एन ते अपने जवाब 57575 से SMS कर दियो। इस दे नाल ही इस वेले कॉल भी कर सकदे हो 1800 1800 3535 ते। आज दे मेहमाना दे नाल थोड़ा तारुफ करवा देने। तरलोचन सिंह जी अपना पंजाब पार्टी दे आगू साढ़े नाल इस वेले जुड़ चुके ने। मनजीत सिंह राय जी बीजेपी दे आगू साढ़े नाल जुड़ गए ने। तां इस दे नाल ही रमन सुब्रमण्यम कांग्रेस दे आगू इस वेले मौजूद ने। बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा सारिआं दा जी पंजाब हरियाणा हिमाचल ते। रमन सुब्रमण्यम जी, मेरा पहला सवाल तुहाडे तों ही है, 2/3 बहुमत दा दावा, इन्ना कॉन्फिडेंस किस आधार ते?
मैडम के ये जड़ा पॉलिटिकल जड़ी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन जड़ी हुंदी है या जड़ी ओ मैनू लगदा जड़े सीनियर नेता हुंदे ने जिन्हां दा इन्ना ज़्यादा वड्डा तजर्बा होया हुंदा वै एक अपना एक बड़ा लंबा अरसा जिन्हां ने पॉलिटिक्स कीती हुंदी है और वाइडली ट्रैवल्ड हुंदे ने सारी स्टेट दे विच लोकां नू जाके मिलदे ने और उन्हां तो फिर उन्हां दे कोले एक्चुअली उन्हां कोले एक्सेस हुंदा वै की कहिंदे इंटेलिजेंस एजेंसीज दा और होर तरह दे भी जिहड़े नैटवर्कस हुंदे ने उन्हां तो रेगुलर फीडबैक लैंदे ने कि लोकां दीआं एस्पीरेशनस की है लोकां दा की मूड है और उस हिसाब नाल असीं जिहड़ी अपनी रणनीति बनाने भी हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह तेरे हैगे ने उन्हां दा एक ऑलमोस्ट 40-45 साल दा जिहड़ा हैगा वै पंजाब दी राजनीति दे विच विचरे ने और हरेक हल्के हरेक इलाके जिहड़ा हैगा बड़ी चंगी तरह जानते ने। हैविंग सैड दैट मैं इस तो बाद एक गल कहना चाहना पिया मैं कि अज की डेट की जिहड़ी पोलिटिकल जिहड़ी पोलिटिक्स की स्पीड है वो पोलिटिक्स की स्पीड इन्नी ज़्यादा तेज़ हो गई है और ये जिहड़े हैगे है ये चेंजिज़ इन्निया क्विक एंड है कि एक भी गलती जे तुसी करोगे तो तुसी अपनी जिहड़ी हैगी है साख खो दिंदे हो। एक्चुअली गल तो यह वै भी अकाली दल बीजेपी के अगेंस्ट 10 साल की एक बड़ी वड्डी एंटी इनकमबेंसी हैगी है और जो ही चोन जापता लग्या वै तुसी देख रहे हैगे हो भी किस तरह इन्हां दे लोग हैगे आ धड़ा धड़ा इन्हां नूं छड्ड रहे ने और जिहड़ी है कांग्रेस ज्वाइन कर रहे ने और फिर हालांकि बड़े अनफॉर्चुनेट इंसीडेंट हैगा वै कि डिप्टी CM साहब और CM साहब के उत्ते लोगों ने कोई जिहड़ा फिजिकल असॉल्ट किया बट नैवर द लैस एक एग्रैशन नूं जरूर शो करता वै भी लोग इन्हां दे अगेंस्ट किन्ने फ्रस्ट्रेटिड ने और इस तो बाद जिहड़े हैगे आ दूसरी इस तो बाद आम आदमी पार्टी जिहड़ी कि एक टाइम दे विच 2014 के इलैक्शन के एक बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस करके उन्होंने एक अपना वोट शेयर अपना क्रिएट किया वो जिहड़ा वोट शेयर हैगा वै हुण क्योंकि उन्होंने लगातार चाहे दिल्ली च है चाहे पंजाब दे विच है गलती दर गलती उन्होंने जिहड़ी कीती है लोगों का इक्को दम जिहड़ा मोह भंग हो गया जिहड़े लोग हुण चेंज देख रहे ने वह चेंज का जिहड़ा आस देख रहे ने ओ बेसिकली एक कंसोलीडेटिड और डिसिप्लिन वर्कफोर्स च देख रहे ने जिहड़ी के असी के अज दी डेट दे विच सिर्फ कांग्रेस प्रोवाइड कर रही है कांग्रेस कोले एक्सपीरियंस भी है कांग्रेस कोले चाल भी है ओदे कोले चरित्र भी है ते ओदे कोले एजेंडा भी है जिहड़ा असी ऑफर कर रहे हां कैप्टन अमरिंदर सिंह दे दावे नाल दो तिहाई बहुमत दे नाल कांग्रेस दी जीत। इंद्रजीत जी ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖਿਆਲੀ ਸੁਪਨੇ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਲੈ ਲੈਣ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 12 'ਚ ਵੀ ਲਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖੋ ਸਕਦੇ ਲੈਣ ਮੰਗੇਰੀ ਲਾਲ ਵਾਲੇ ਸੁਪਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਰਹੇ ਲੈਣ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ कांग्रेस सिमट के 44 सीटा दे लोकसभा रहेगी और हरेक थां तो शिकस्त इन्हों हार हो रही है आप जिस थां ते बैठे असी स्टूडियो च इत्थे बहुत वड्डी करारी हार हुई है कारपोरेशन दे विच और चंडीगढ़ दे विच और इस तो अगे दे चलिए आप कल परसों फरीदाबाद दे विच जीरो सीट 10 इंडिपेंडेंट 30 बीजेपी और ए कांग्रेस दी जीरो सो ए तो पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग लोगों की जिहड़ी पता लग रही है ठीक है इन्हां नूं लोकसभा दे विच विरोधी धिर दे नेता दी पदवी हासिल नहीं हुई और दिन ब दिन जिहड़ा कांग्रेस मुक्त दा दित्ता नारा मानयोग साडे देश दे प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल कांग्रेस मुक्त होएगा देश और एक सुपना जेड़ा दो तिहाई वाला छड़ देना ठीक है मनजीत ना ही इना नु आउणा है तरोजन सिंह जी मेरी लाल वाले तरोजन सिंह जी कैप्टन अमरिंदर सिंह का सपना हकीकत बनेगा या फिर सपना बन के रह जाऊंगा। बीबा जी सियासत दे विच जिहड़ी मेरे तो पहला मेरे भरावां ने गल कीती आ देखो सुपने लैणा कोई माड़ा नहीं हुंदा सुपने अमरिंदर सिंह बहुत लंदा रहा तो आ सुपनिया का ही नतीजा जो कुछ अच्छ कांग्रेस का हाल होया एक गल मैं देखो जी हक च करनी चाहना वैसे मेरा साढ़े राजनीतिक विरोधी ने भी जे अज अमरिंदर कांग्रेस के परे कर दी कांग्रेस का कितने स्टैंड ही नहीं करती पंजाब दे विच जे थोड़ी बहुती कांग्रेस कितने जूंदी है तो अमरिंदर करके जूंदी है अदरवाइज कितने
कांग्रेस की होंद नहीं, पर इस गल नूं मनना पएगा पिछले 15 सालों के कांग्रेस निघार वल गई है पंजाब दे विच, जिहड़ा रवायती वोट बैंक जुड़िया होया सी गरीब वर्ग का, जिन्हां नूं इह कच्चे मकानां दे पैसे देण दा लारा लाउंदे सी, उह वी जिहड़ा हैगा टुट गया और कोई अपना जिहड़ा हैगा पक्का वोट बैंक कांग्रेस कोल नहीं। ठीक है, दावे करी जां दावे करन दा हक हुंदा, लोकां ने फैसला देना हुंदा, ते थोड़ा बहुता मालवे खिते दे विच ਇਹ ਆ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਮਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਤ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਰਮਨ ਸੁਬਰਮਨਿਅਮ ਜੀ, ਦੋ ਵਾਰ ਚੋੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਮਿਲੀ ਲਗਾਤਾਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਬੈਕਅਪ ਕਰ ਪਾਣਗੇ? मैडम मैं ना एक गल मेरी थोड़ी जी लंबी हैगी है, पर इस गल नूं जरा ध्यान नाल सुनना जी, कि जिहड़ा असी 2007 दे विच जिहड़ा इलैक्शन असी हार गए सीगे, वह डेफिनेटली एक एंटी इनकंबेंसी जिहड़ी सीगी वह साडे खिलाफ सीगी और उहदा जिहड़ा हैगा वह साडे ते असर पिया सीगा। पर जिहड़ी 2012 दी इलैक्शन सीगी, 2012 दे विच इनफैक्ट लोग चेंज चाहुंदे सीगे और जिहड़ा वोट शेयर सीगा कांग्रेस दा वधिया सीगा, अकाली दल और बीजेपी दा दोवां दा घटिया सीगा। पर उहदे विच इक जिहड़ा मेजर असीं जिहड़ा बाद चो एनालिसिस कीता कि साडी गलत जिहड़ियां टिकट दी डिस्ट्रीब्यूशन और जिहड़े रैबल फैक्टर जिहड़े अकाली दल ने एक्सप्लॉइट कीते और फाइनेंस कीते, उह साडी इक हार दा बड़ा वड्डा कारण बणे सीगे। पर मैं जिहड़ी ये गल कहना पिया वां कि भी जिहड़ी 10 साल दी जिहड़ी एंटी इनकंबेंसी हुण जिहड़ी अकाली दल बीजेपी दे खिलाफ हैगी है, वह हुण सिर चढ़ के बोलदी पई है। इन्होंने जिहड़ी पिछले 10 सालां दे विच इन्होंने सरकार ने जिहड़ी डंडागिरी कीती है और इन्हां दे जिहड़े वर्करां ने गुंडागिरी कीती है, उहदा इक नतीजा अज निकल के यह आ रहा वै कि लोग जिहड़े हैगे उह भड़के होए ने, उहनां दे जज्बात भड़के होए ने, इन्हां दे जिहड़े कैंडीडेट्स है हुण जे किते जांदे वी ने ते उहनां दा इक उहनां दा उहनां नूं उह बेइज्जत कर रहे ने उहनां ते। इनफैक्ट जिहड़े मैं हालांकि मैं पहले भी यह कहा वै भी इट इज़ रोंग के, पर इन्हां दे जिहड़े इन्हां दे डिप्टी चीफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर साहब ते भी जिहड़ा फिजिकल अटैक हो गया वै, ये एक दर्शांदा वै कि लोकां दे विच इन्हां दे प्रति किन्नी कु घृणा फैली हुई है। मतलब मैं जिहड़ी गल वारी वारी इस गल नूं रिपीट करन दी लोड़ नहीं कि जदों सानू मैं एक पॉजिटिव एजेंडे नाल चल रहे हैं, असी पॉजिटिव एजेंडा ये दे रहे हैं, असी पॉजिटिव एजेंडा ऑफ चेंज दे रहे हैं, असी एक पॉजिटिव एजेंडा दे रहे हैं कि जिहड़ा आने वाले टाइम दे विच असी जिहड़े साडे अज दे दरपेश जिहड़े मसाइल ने वह असी किवें ठीक करांगे, असी उहनां बारे गल कर रहे हैं, असी इशू बेस्ड पॉलिटिक्स जा रहे हैं, असी कोई नैगेटिव पॉलिटिक्स नहीं इहनां दी जा रहे। मेरा अपना ख्याल है कि जिहड़े लोग है पंजाब दे उह इन्ने सूझवान ते समझदार ने ते कि उह अपना वर्डिक्ट जिहड़ा वा साडे हक। ठीक है, इस विचाले साडे नाल चरणजीत बराड़ जी अकाली दल दे आगू जुड़ चुके ने, बहुत बहुत स्वागत है बराड़ साहब तुहाडा भी। बराड़ साहब, की तुसीं इस गल तों सहमत हो कि दो तिहाई बहुमत हुण कांग्रेस नूं मिलेगा ते एंटी इनकंबेंसी उसदा ही फायदा कांग्रेस लै जाएगी इस बार? जे तां कोई तत्थ बंदे ने पेश कीते होण ना जी, फिर तां बंदा लगदा वी इस गल नूं सच मोण। कैप्टन अमरिंदर सिंह की कि गल यकीन करिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह तो जो अज तो 8 महीने या 9 महीने पहला कह रहे थे कहते मेरे सारे कैंडीडेट 6 महीने जोड़े है वो पहला अनाउंस हो जाएंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह तो कहें कहते सिद्धू हू इज सिद्धू, कहें क्यों कांग्रेस ज्वाइन करेगा, की सानू वो लोड़ है, अज वो उत्तों की हो गई वह भी ज्वाइन कर रहा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह जोड़े है ये जरूर आपदे अक्की पलाई हथ मारते हैं, झूठ का पलंदा पेश करके, कदे किसानी के करजे माफ की गल करते हैं, कदे किसी गल की 50 लाख नौकरियां देने की गल करते हैं, कदे स्मार्टफोन देने की गल करते हैं, कदे 2500 रुपये महीना देने की बेरोजगारी भत्ता देने की गल करते हैं, कदे तुसी सीधे इंटरव्यू च यह पुछ रहे भी इन्हां सारियां चीज़ों के पैसे किन्ने बन गए, जो गिण के दस दिन तो मैं मान लूंगा कि बंदे का विजन हैगा कि वाकई कोई ना कोई प्लैनिंग बना के चलिया। इस करके बिना किसी गल तो बिना किसी प्लैनिंग तो अज कांग्रेस पार्टी की हालत इन्नी पतली है कि अज कांग्रेस दूजा दिन टप गया नोमीनेशन का हले टिकटा नहीं अनाउंस कर सके। इस करके जिहड़ा बंदे दा सिर पैरी है नहीं थले कि जिहड़े बंदे नूं डर ही लगी जांदा जी असीं कैंडीडेट अनाउंस करते ते पता नहीं साडे कोई फलाना ना भाजे तो फिर तुसीं अंदाजा ला लो कि उस पार्टी का धरती ते की हो सकता। मैं जिस तरह मेरे साथी वीर ने दस्सिया सी, बहुत सारा पहला वोट बैंक ऐसा सी जिहड़ा गरीब वोट जिहनूं कदे किले दे के कदे गरीबी हटाओ दा नारा दे के कदे कोई नारा दे के इन्होंने वोटां लईयां, पर सरदार प्रकाश सिंह बादल साहब दीआं कीतीआं होईआं कम्मां करके आटा दाल स्कीम, शगन स्कीम, पेंशन
सारे दियां सारियां स्कीमां भावें किसानां नाल मुतलक ने, इन्हां ने बिजली दे बिल ताके रखे, असी किसानां दे बिजली दे बिल जिहड़े हैगे माफ कीते, 50,000 रुपए का एक फसल के उत्ते ब्याज रहित करजा दिता, 50,000 रुपए का इलाज लई मुफ्त दिता सारे गरीबां नूं सारिआं नूं। इस करके लोग अज विकास के मुद्दे से वोट पाउण जा रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली दे विच बैठ के दो तिहाई नहीं तीन तिहाई बहुमत लै लैण, सानू कोई इतराज नहीं, पर जदों लोकां ने दो तिहाई दिता बहस भी करते हैं, पर मैं एक गल थोनू दसदा पिया मैं कि जिहड़े 10 सालां दे विच इन्होंने जो इन्होंने कहा कि भी असी लोगों नू बदाम खवाए है ते घी दी जिहड़ी असी इन्होंने सानू इहदे च की कहिंदे आ शक्कर पा के खवाई है और जिहड़ी सानू इन्होंने तंदुरुस्ती बख्शी है लोगों नू, उह तां तंदुरुस्ती इत्थे पता लग जांदी है कि भी अज दी रेट दे विच 37% साडी बेरोजगारी है, साडी जिहड़ी है तुसी किन्नी छड्ड के गए मेरी गल सुणो, मेरी गल 24,000 नौकरी कितने तुसी बेरोजगारी दी की गल कर रहे हो, मेरी गल च ना बोलो ब्राड साहब, मैं बड़ी गल ना बोलो सर, तुहाडी गल सारी गल गल क्यों ना बोलो, मैं कोई गल झूठी नहीं कीती, झूठ ना बोलो, तुसी नौकरियां ते बैन लग रखे, तुसी बेरोजगारी दी गल करदे, देखो तुसी रौला फिर पवा दिंदे हो, तुसी मेरी गल नहीं सुनो, तीजी वारी तुसी मौका ले रहे हो, ये थोड़ा झूठ बोलने का मौका ले रहे हो, मेरी ब्राड साहब तुसी अपनी गल ते तुसी ओदो झूठ बोलन लग पैने जदों असी गल दसदे आ, कोई गल झूठ नहीं, तुहाडा तुसी डेफामेशन पा दे, असी जदों झूठ फेड़दे आ जी तुहाडा झूठ फड़न लगदे आ, तुसी ओदो रौला पा लैंदे हो, मैं तो थोनू बेनती ये करन लगा मैं कि अज मैडम मैं बड़ा सीधा साधा जिहा जिहड़ा इहनां तों एक सवाल पुछदा पिया मैं, इहदे विच कोई नवीं तौरी गल नहीं गी, 2002 दे विच जिहड़ा जदों असीं सरकार लिती असीं 19% इहनां तों बेरोजगारी फड़ी सीगी, और 2007 जदों छड्डी ते 18 तों लै के 35 साल दे विच प्लैनिंग कमिशन दे डाटे ने 9% बेरोजगारी सीगी, अज दी रेट दे विच उही 18 तों लै के 35 दे विच इहनां ने सानूं 37% बेरोजगारी दे के जा रहे आ, इहनां ने 10 सालां दे विच 16 लाख ਨੌਕਰੀ ਦੇਣੀ ਸੀਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ 16 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀ ਦਿਖਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਉਹਦੇ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਮੰਨਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 2,53,637 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੈਂ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਤੇ ਅਸਿੱਧੀਆਂ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ 16 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਪੌਣੇ 3 ਲੱਖ ਸਿੱਧੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪੌਣੇ 4 ਸਾਢੇ 4 ਕਰੀਬ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, 5 ਲੱਖ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਘਾਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਡਾਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਬੈਣ ਲਾਇਆ ਹੋ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, 24,000 ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, 5 ਲੱਖ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ टोटल सरकार च मुलाजम है, तुसी 2,75,000 नौकरी जिहड़ी आ 10 साल दी देती है, दित्ती है तुसी 35,000 ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ नौकरी सीधे तौर ते दित्ती दित्ती और सारे 20 दिन नहीं होए हले स्याही नहीं सुकी अखबारां दी, जिस दिन 30-32,000 मुलाजम असी पक्का कीता कैप्टन ने उधर भी अपोज कीता, अबालिश कीती के नहीं कीती दस दिन ठीक है, रमन जी रमन जी मैं आनी है, रमन जी तुसी जवाब दो, रमन जी जवाब दो, उससे पहले तरलोचन जी कुछ सवाल पूछने, तरलोचन जी मैं बोलने लगता है नाल ही विच बोल लेंदे, कहानी पौने होना जी, कहानी पांदे मैं, कहानी ना पाओ सीधा जवाब दो, भी रमन दा फैसला सीगा कि नहीं सीगा, मेरी एक गल सुनो, रमन जी मैं तुहाडे कोल सीधा जवाब लैण लई आऊंगी, इस विचाले तरलोचन जी जरूर एक सवाल पूछना चाह रहे ने, तरलोचन जी ਇੰਦਰਜੀਤ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੋਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਬੇੜੀ ਦੇ ਮਲਾਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ
कांग्रेस दियां जिन्नियां टिकटां अनाउंस होईयां ने उहदे विच 28 दे उपर बगावतां 17 अजे रहिंदियां ने ते मैनूं इह दसो वी दावा कित्थे सार्थक रहि गया। ते दूजे पासे माणयोग पंजाब दे मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल कह रहे हैं वी हैट्रिक मारांगे, डिप्टी सीएम कह रहा भी हैट्रिक मारांगे, हालात दोनों के इको जिहे ने थले धरातल के उत्ते। असल च सिस्टम जिहड़ा हैगा जिहड़े वर्कर सी टकसाली दोनों पार्टियां नाल जुड़े हुए वह कितें ना कितें निराश ने ते होर पासे नूं चुके हुए ने जां होर राह उन्होंने तलाश लए ने। और ये नुकसान जिहड़ा हैगा ये 11 मार्च नूं पता लगेगा भी थल्लों जमीन किन्नी हिली हुई सी। इस करके दावे करी जाने मैं समझदा मगेरी लाल दे हसीन साहब ने लई जाओ ते किहड़ा कोई मुल आउंदा जां इहदा कोई आपां नूं रेंट डीड भरनी पैणी जां रेंट देना पैणा। इस करके मेरी बेनती आ ते एक तां मैं थोनू खास करके बेनती करदा जिहड़ा मुद्दा हुंदा ना थोड़ा जिहा वह किसी कौन दे उपर फसना चाहीदा तां कि उहदे उपर इह मुद्दा जिहड़ा हैगा दावे वाला इह तां तुसीं कहना भी कितें ना कितें जिवें बच्चे शाम नूं सौ के सवेरे सुपना भी रात मैं तां जी बहुत वड्डा महल वेखिया वह गल्लां इह करदे ने और लोकां नूं गुमराह कर रहे ने। दावा बहुत वड्डा कीता, दावा बहुत वड्डा कीता कि सदारते कीता इहने पंजाब दी जनता दे लई जानना जरूरी है कि आखिर कित्थे हर एक पार्टी स्टैंड रखदी है किन्ना खड़ी है। इसे करके इस मुद्दे ते चर्चा हो रही है। मैं इंदरजीत जी इह दस चुके हां भी 28 सीटां ते कांग्रेस दे बगावत आ 17 अजे नौ सुणियां बाकियां ते कित्थों दो तिहाई लै जाणगे 70-72 सीटां बणदियां ने। ठीक है कांग्रेस कितनी मजबूत है सवाल अरे बरकरार है। रमन जी मैं ये सवाल लेके थोड़े को लाऊंगी क्योंकि सवाल कई चुके जा रहे ने कांग्रेस से इस विचाले ते सवाल जो सी अपने दर्शकों नु पूछिया सो एक बार फिर दस दिए सवाल सी कि पंजाब दे विच कांग्रेस दे दो तिहाई बहुमत दे नाल जीत हासिल करन दे दावे दे विच दम है। हां दे लई टाइप करो ZPHS पेज दे वाई ते ना दे लई टाइप करो ZPHS पेज दे एन ते अपने जवाब 57575 ते SMS कर दियो ते कॉल भी कर सकते हो 1800-1800-3535 ते पर ब्रेक तो बाद पानी डाल दो इसमें।